कोंकण रेलवेज एक मेजर रेल लाइन है जो मुंबई को मैंगलोर से जोड़ती है। देश के वेस्टर्न कोस्ट पर बनी ये लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 741 किलोमीटर और 72 स्टेशन के साथ ये मोस्टली वेस्टर्न घाट्स के थ्रू जाती है, जो काफी डिफिकल्ट टेरेन है किसी भी रेलवे लाइन के लिए। 2000 से ज्यादा ब्रिजेस और 92 टनल्स लगी है इसे बनाने में और टोटल कॉस्ट आई थी 3555 करोड़ रुपए। 3 राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, और 1998 तक ये फुली ऑपरेशनल हो गई थी। यानी 1998 से पहले कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं था मुंबई से मैंगलोर के बीच। लोगों को पुणे, बेलगाम, हुबली से होते हुए जाना पड़ता था इतना घूमकर। जिस ट्रिप में अभी 17 घंटे लगते हैं उसमें पहले 2 दिन से ज्यादा लग जाते थे, और कई बार तो मल्टीपल ट्रेन्स भी चेंज करनी पड़ती थी। फिर इसे बनाने में इतना टाइम क्यों लगा, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार इधर रेल लाइन बनाने का सुझाव 1894 में रखा गया था। ब्रिटिश सरकार और रेल कंपनीज चाहती थी कि उनके पोर्ट्स बेहतर कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे से और ट्रेड और कॉमर्स बढ़े, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में उन्होंने इसे फाइनेंशियली अनवायबल पाया। तब की टेक्नोलॉजी इसे बना तो लेती, मगर डिफिकल्ट टेरेन की वजह से भारी इंजीनियरिंग करनी पड़ती जिसमें कॉस्ट काफी बढ़ जाती। इसलिए 750 किलोमीटर का हाईवे ही एक जरिया रहा मुंबई से मैंगलोर के बीच, या सी से ही कवर किया जा सकता शिप्स की मदद से। कुछ साल बाद 1907 में मैड्रास से शोरनूर के रास्ते मैंगलोर तक रेलवे लाइन बनाई मैड्रास रेलवे कंपनी ने। इसका स्कोप देखते हुए इसे मुंबई तक एक्सटेंड करने का भी प्रपोजल रखा उन्होंने, मगर सेम ही आउटकम निकला, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इसका मेन रीजन था कि रूट में कम पॉपुलेशन और कम ट्रेड है बाकी रूट के कंपैरिजन में, तो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा रूट को गोवा से गुजरना था जो उस वक्त पोर्चुगीज कंट्रोल में था, वो भी ब्रिटिश रेल कंपनीज के साथ इतना कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। फिर से कई सालों के लिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद कोंकण रेल का आइडिया दोबारा उठाया गया और 1957 में कई जगह एरियल सर्विस भी किए गए। मुंबई की एग्जिस्टिंग लाइन को भी धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू किया, जैसे 1964 में दीवा से पनवेल तक और 2 साल बाद आपटा तक। उसी साल रेलवे मिनिस्टर ने इसे साउथ में और एक्सटेंड करने का प्रपोजल रखा वेस्टर्न कोस्ट रेलवे के नाम से। इसके लिए मैंगलोर और दसगांव से रत्नागिरी के बीच सर्विस करवाए गए, मगर इन सब कोशिशों के बावजूद रोहा तक एक्सटेंड करने के लिए 20 साल लग गए। इसका नाम कोंकण दिया गया है रीजन के नाम पर, जो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को कहते हैं। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में आता है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स के बीच। फाइनली ऑलमोस्ट 100 साल की वेट के बाद जुलाई 1990 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। इसे इंडियन रेलवे से अलग रखा गया क्योंकि उस वक्त 3500 करोड़ रुपए चाहिए थे इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जितने फंड्स इंडियन रेलवे के पास मौजूद नहीं थे। इंडियन रेलवे के पास प्रायोरिटी लिस्ट में पहले ही बहुत काम थे, जैसे कुछ लाइन्स और स्टेशन को अपग्रेड करना, ऑपरेशन को स्मूथ बनाना, जिसके कारण वो कोंकण रेलवे लाइन पर फोकस ना कर पाते, और अगर उन्हें फंड्स मिल भी जाते तो वो उन्हें दूसरे कामों में पहले लगाना ज्यादा जरूरी समझते। ये देखते हुए पार्लियामेंट ने रेल मंत्रालय के अंडर मगर इंडियन रेलवे से अलग एक कंपनी बनाई और उसे डायरेक्टली फंड्स एलोकेट किए। इससे कोंकण रेल बनाना पॉसिबल हो पाया। बजट पास होते ही रोहा को मैंगलोर से कनेक्ट करने का काम भी शुरू हो गया। पूरे रूट को 7 सेक्टर्स में बांटा गया, जिसमें हर एक सेक्टर लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। 3 स्टेट से पास करता है ये रूट, 382 किलोमीटर महाराष्ट्र से, 105 किलोमीटर गोवा से और 273 किलोमीटर कर्नाटका से। इसके पहले 2 सेक्शंस 1993 में खुले मैंगलोर से उडुपी और रोहा से वेरा के बीच, और पूरा रूट जनवरी 1998 में खुल गया और उसी समय सावंतवाड़ी एक्सप्रेस चलने लगी रूट पर। टोटल 3555 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में। रूट में 2116 ब्रिजेस और 92 टनल्स शामिल हैं, ताकि टर्न्स और ग्रेडियंट कम से कम रखा जा सके स्पीड मेंटेन करने के लिए। रूट का एवरेज ग्रेडियंट सिर्फ 0.38 डिग्रीज है और 160 किलोमीटर पर आर की डिजाइन स्पीड पाने के लिए मैक्सिमम कर्व रेडियस 1.26 किलोमीटर की रखी गई है। लॉन्गेस्ट टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है रत्नागिरी के पास कार्बुडे टनल, और टॉलेस्ट वायाडक्ट 64 मीटर हाई है पनवल नदी पर, और वो भी रत्नागिरी के पास। टोटल 72 स्टेशन आते हैं पूरे रूट में, मगर ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ कुछ मेजर स्टेशन पर ही रुकती है। तीनों स्टेट ने भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की थी इसके लिए। भारत सरकार का 51% हिस्सा था, बाकी महाराष्ट्र का 22%, कर्नाटका का 15% और केरला और गोवा दोनों का 6-6%। कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टूब्रो, गैमन इंडिया और एफकॉन्स ने किया अलग अलग सेक्शन में। अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया गया और काम दोनों एंड से शुरू हुआ साथ में। हाइड्रोलिक टनल डिगिंग इक्विपमेंट को स्वीडन से इंपोर्ट किया गया, ताकि टनल कंस्ट्रक्शन में कम से कम इश्यूज आए। देश में पहली बार इंक्रीमेंटल लॉन्च मेथड का इस्तेमाल किया गया। इन अचीवमेंट्स के अलावा कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले था लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। लगभग 43,000 लैंड ओनर्स से जमीन खरीदने में कंपनसेशन और रिलोकेशन के इश्यूज उठे। गोवा में इन पर कोर्ट केसेस भी हुए इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के वायोलेशन को लेकर। सेंसिटिव इकोलॉजी को हार्म पहुंचाने के लिए उन पर इल्जाम लगाए गए, जिसके बाद प्रोजेक्ट को
को 9 महीने के लिए रोक दिया गया। एक हाई लेवल कमेटी ने एक बार फिर से स्टडी की और कुछ रिकमेंडेशन दिए रूट के लिए, जिसके पूरा होने पर काम फिर से कंटिन्यू हो पाया। कुछ टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान रूफ कोलैप्स होने से काफी डिलेज भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ काफी सॉफ्ट सॉइल मौजूद थी। इस डेंजरस सिचुएशन की वजह से 19 वर्कर्स की भी जाने गई, जिनके परिवार वालों को कंपनसेशन दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कुल 74 जाने गई। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाना पहले से ही काफी डिफिकल्ट साबित होने वाला था, इसीलिए इसको बनाने के लिए एक ब्रिलियंट रेलवे इंजीनियर और मैनेजर की जरूरत थी। यहाँ एंट्री हुई ई श्रीधरन की। ये पहले से ही काफी एकम्प्लिश थे और कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में उनका भारी योगदान रहा था। जैसे 1964 में एक सुपर साइक्लोन ने जब रामेश्वरम के पास पाम्बन ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब इसे रिस्टोर करने की जिम्मेदारी ई श्रीधरन को दी गई थी 6 महीने के टारगेट के साथ। उन्होंने अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाते हुए इसे सिर्फ 46 डेज में पूरा कर दिखाया। ये रूट आज भी यूज होता है और कोई भी मेजर इशू नहीं देखने को मिला इतने सालों में। आज उसके पैरेलल में एक नया पाम्बन ब्रिज बनाया जा रहा है वर्टिकल लिफ्ट सेगमेंट के साथ, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में। इसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। पाम्बन ब्रिज की सफलता के बाद ई श्रीधरन को कोलकाता भेजा गया कोलकाता मेट्रो की प्लानिंग, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एज अ डेप्यूटी चीफ इंजीनियर। ये तब देश में सबसे एडवांस प्रोजेक्ट में से एक था। पहली बार इंडिया में मेट्रो रेल बनाई जा रही थी और इसका काम शुरू हुआ 1970 में। उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और फाउंडेशन स्टोन भी ले कर दिया था, मगर 1975 में उन्हें प्रोजेक्ट से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद वो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रहे कुछ सालों के लिए, और 1990 में जब वो रिटायर होने ही वाले थे, रेलवेज ने एक्सटेंशन देकर कोंकण रूट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। इसे उन्होंने बखूबी निभाया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। उनकी लीडरशिप में इस पर स्पीड से काम हुआ और सिर्फ 8 साल में पूरा रूट बनकर तैयार था। सिर्फ 3 साल का डिले और 15% कॉस्ट ओवरन देखने को मिले, जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट में बहुत रेयर होता है। कोंकण रेलवेज की सफलता के बाद उन्होंने 1998 में दिल्ली मेट्रो बनाने की कमान संभाली। 4 साल बाद 30,000 से शाहदरा का पहला स्ट्रेच खुल भी गया और आज दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जहां पर काम टाइमली और बजट के अंदर पूरा हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कोची, जयपुर और लखनऊ मेट्रोज में भी एडवाइस किया, इसीलिए आज उनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर कोंकण रेलवे के प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए तो 100 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं रूट पर। इनमें 46 पेयर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के हैं और 4 पेयर पैसेंजर ट्रेन के। इसके अलावा 600 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है समर, विंटर्स और अलग अलग हॉलीडेज के वक्त। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स कोंकण रेलवे से ट्रेवल करते हैं, जो कि पिछले 20 सालों में 7 गुना बढ़ गए हैं, और 3,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इनका हर साल। इसके बनने से काफी फायदा भी देखने को मिला है लोगों को ट्रेड और माइग्रेशन में। वेस्टर्न कोस्ट को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से लोकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को चीपर रेट पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती है। इस रूट में रहने वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस की तरफ भी शिफ्ट होने लगी है। मुंबई, गोवा और मैंगलोर जैसे बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ा है, जो रूरल एरिया से बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला है। कई अनटैप्ड प्लेसेस जैसे गणपतिपुले, अम्बोली और रत्नागिरी जैसे सीनिक स्पॉट्स में लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं, और गोवा में तो टूरिज्म बढ़ा ही है इसकी वजह से। इसके बनने से पहले मुंबई से गोवा के बीच 20 घंटे लगते थे लोगों को, पुणे के रास्ते जाना पड़ता था और रामनगर में ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अब मुंबई से गोवा सिर्फ 8-9 घंटे लगते हैं। रोज जनशताब्दी, वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और टोरंटो एक्सप्रेस चलती है इनके बीच। इसके बेनिफिट्स देखते हुए रूट को डबल ट्रैक करने के भी प्लान्स बने, जो कि पूरी सिंगल ट्रैक थी पहले। रोहा से वीर तक 47 किलोमीटर लंबा सेक्शन डबल ट्रैक कर दिया गया है 2021 में 770 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। इसके अलावा 324 किलोमीटर के सेक्शंस को अभी भी डबल ट्रैक किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये सेक्शंस मोस्टली फ्लैट टेरेन पर मौजूद है। जैसे मदुरै से वैभववाड़ी रोड तक का ये 88 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच। इसके अलावा रूट को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए भी प्रपोजल्स रखे गए थे 2015 में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। 2019 में एलएनटी ने थकूर से बिजूर का स्ट्रेच इलेक्ट्रिफाई किया, 2021 में रोहा से रत्नागिरी का पार्ट हुआ कुछ कोविड डिलेज के बाद, और 2022 तक इसका 100% रूट इलेक्ट्रिफाई हो चुका था। इसमें 1,280 करोड़ रुपए लगे और 18% की रिडक्शन देखने को मिली ट्रांसपोर्ट यूनिट कॉस्ट में। आजकल कोंकण रेलवे को इंडियन रेलवे से मर्ज करने की बात हो रही है, क्योंकि इसके फर्दर अपग्रेड्स के लिए जो फंड्स और लैंड चाहिए होंगे उसको हासिल करना इसके लिए इंडियन रेलवे के मर्जर के बाद काफी आसान हो जाएगा। आज इंडियन रेलवे के पास फंड्स की इतनी कमी नहीं है जितनी तब थी 1990s में, और वो कोंकण को बेहतर सपोर्ट कर सकती है, ऐसा मानना है कई रेल एडमिनिस्ट्रेटर्स का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार KRCL पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक पर यूनिक सरचार्ज इम्पोज करती है 40% पैसेंजर्स पर और 50% फ्रेट ट्रैफिक से। इंडियन रेलवे के साथ मिल जाने से ये प्रोसेस भी बदल जाएगा और पैसेंजर्स पर भी बोझ कम होगा। KRCL ने इस रूट के अलावा देश के कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया है। उनकी एक्सपर्टीज है डिफिकल्ट टेरेन में रेलवे लाइन बनाने की, तो इसलिए उनको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को बनाने के लिए एज अ कंसल्टेंट चुना गया। ये एक इंपॉर्टेंट
प्रोजेक्ट है जो कश्मीर को भारत के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ता है। इसमें उन्होंने 22 ब्रिजेस का निर्माण भी किया है इंडियन रेलवे के साथ मिलकर, जिसमें चेनाब ब्रिज भी शामिल है, दुनिया का टॉलेस्ट रेल ब्रिज। ये एक आयरन एंड कॉन्क्रीट का आर्च ब्रिज है जो चेनाब नदी के 359 मीटर ऊपर से गुजरता है। ये कटरा से थोड़ा आगे जाकर बना है और बनाने में 1,500 करोड़ रुपए लगे। इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। जैसे कोंकण रेलवे इंडिया में हिल्स पर रेलवे लाइन बनाने के लिए मशहूर है, वैसे ही स्विट्जरलैंड काफी फेमस है एल्प्स पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए। इस मॉन्यूमेंटल टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो सैकड़ों रेलवे टनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है गॉटहार्ड बेस टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। इसकी ड्रिलिंग 1999 में शुरू हुई और 2016 में पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। 57 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सदर्न स्विट्जरलैंड में अर्स्टफील्ड को बोर्डियो से कनेक्ट करती है। इसको बनाने में कन्वेंशनल टनलिंग मेथड के बजाय स्पेशलाइज्ड टनल बोरिंग मशीन्स TBMs का इस्तेमाल किया गया डबल शील्डिंग के साथ। इससे वो रॉक्स को आसानी से एक्सकवेट भी कर पाए और टाइम एंड कॉस्ट सेविंग भी देखने को मिली। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इंडिया की नई टनल्स में भी किया जा रहा है, जैसे USBRL रूट। इसके अलावा अभी भी इंडिया में हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के कुछ टूरिस्ट और ट्रेड डेस्टिनेशंस में रेलवे लाइन्स उपलब्ध नहीं है। इनको बेहतर कनेक्ट किया जा सकता है रेल लाइन से, अगर इंडिया स्विट्जरलैंड की माउंटेन रेलवे से सीख कर नई टेक्नोलॉजीज इधर इंट्रोड्यूस करे। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली से शिमला और मनाली के रास्ते ले तक एक रेलवे रूट बनाया जा सके, मगर वो बनाना बहुत मुश्किल होगा। स्विट्जरलैंड के जैसे ही हम जापान से भी इन टेक्नोलॉजीज को इंडिया में ला सकते हैं मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए। जापान भी काफी फेमस है अपने हिली एरियाज में रेलवे लाइंस बनाने के लिए। इतना ही नहीं, अब जापान एक हाई स्पीड ट्रेन प्लान कर रही है जो मैगलेव टेक्नोलॉजीज से चलेगी। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन होगी 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ टोक्यो से नागोया के बीच। इसका नाम चुओ शिंकानसेन दिया गया है और ये 2.5 घंटे की ट्रैवल जर्नी को अब 40 मिनट बना देगी और इसका 90% रूट टनल्स में बनेगा। ऐसी मैगलेव टेक्नोलॉजीज अभी तो काफी एक्सपेंसिव है इंडिया में लाने के लिए, लेकिन फ्यूचर में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ मेजर सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे ही माउंटेन रेलवे बनाने में एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब आसान भाषा में है ट्रैक का स्लोप। इसे कम से कम स्टीप रखना पड़ता है स्पीड और एफिशिएंसी के लिए। इसके अलावा ग्रेडियंट ब्रेकिंग और सेफ्टी को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ज्यादा ग्रेडियंट्स पर ट्रेन को रोकना मुश्किल हो जाता है, स्लिप करने लगते हैं व्हील्स। जब ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप होता है तो कम लोड, पावरफुल इंजन और कम स्पीड ही हैंडल कर सकता है वो ट्रैक, जो कि ज्यादा कॉस्टली होता है ओवरऑल। हाय गाइज, मैंने मुंबई और बैंगलोर के डिजिटल ट्रांजिट मैप्स बनाए हैं, उन्हें आप खरीद सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक से, जिससे आप चैनल को भी डायरेक्टली सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री का प्रिंटेड चार्ट भी सेल पर है, उसे चेकआउट कीजिए वेबसाइट पर। बुलेट ट्रेन के बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। धन्यवाद।